हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू अकेडमी। आज के वीडियो में हम देखेंगे साइनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसको कितने डायरेक्टर्स जो है उसको साइन करते हैं, एंड जो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग क्या सिर्फ वही साइन कर सकते हैं उसको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कर सकते हैं, क्या सभी डायरेक्टर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करना चाहिए ना, कंपनी सेक्रेटरी जो है क्या वो उनका जो साइन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मैंडेटरी है क्या, और जो डायरेक्टर साइन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो डिजिटली साइन करते हैं या फिर कैसे करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम आज के वीडियो पे हम कवर अप करने वाले हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के रिलेशन में इंक्लूड्स करती है क्या क्या चीज़। नंबर वन, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सेकेंड इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, एंड द फोर्थ इज द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर आपके एप्लीकेबल हैं तो, ठीक है। एंड नंबर फिफ्थ इज एनी एक्सप्लेनेटरी नोट्स या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो कि हमारे पॉइंट नंबर वन से लेकर फोर्थ तक के से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो भी हम अटैच करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नाउ कम टू द कंक्लूजन, जो हम इसमें टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। नंबर वन क्वेश्चन कि कितने डायरेक्टर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करते हैं, ठीक है। वेयर द कंपनी डज नॉट हैव अ चेयर पर्सन, जहां पर कंपनी के पास में चेयर पर्सन नहीं है या फिर बोर्ड के द्वारा ऑथराइज नहीं है, उस केस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो दो डायरेक्टर, टू डायरेक्टर उसको साइन करते हैं, ठीक है, जिसमें से एक जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो उस केस में कम से कम दो डायरेक्टर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करेंगे। नाउ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग स्लोली साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारे पास में सबसे पहले आता है कि जो चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी इज रिकॉग्नाइज एंड नॉट द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग। सबसे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करने के लिए हमें देखना है कि वो चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी होना चाहिए, ना कि चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग, ठीक है। अगर कंपनी ने, ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी अपॉइंट किया हुआ है तो वो स्लोली ऑथराइज्ड है बोर्ड के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करने के लिए, इररिस्पेक्टिव वेदर चेयर द मीटिंग और नॉट, चाहे वो मीटिंग को चेयर करे या फिर नहीं करे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या फिर एडिशनल डायरेक्टर है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमें ये बोला गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एटलीस्ट टू डायरेक्टर साइन करते हैं, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर भी हमारे डायरेक्टर में इंक्लूड हो सकते हैं, होते हैं, तो इसी वजह से वो भी साइन कर सकते हैं। क्या सभी डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें बोला है कि एटलीस्ट जो है वो कंपनी के पास में अगर चेयर पर्सन नहीं है तो उस केस में जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एटलीस्ट टू डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें से एक जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो एटलीस्ट टू डायरेक्टर सेल साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो कंपनी सेक्रेटरी होता है क्या उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर साइन करना मैंडेटरी होता है। यस, एज पर द सेक्शन नंबर 134 सब सेक्शन 1, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दैट इज CFO एंड द कंपनी सेक्रेटरी अगर अपॉइंट किए गए हैं कंपनी के द्वारा तो उस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करना है, ठीक है, तो उस केस में वो साइन करेंगे, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है या फिर वो हमारी पब्लिक कंपनी है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो ओपीसी आता है, ओपीसी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन साइन करेगा। ओनली वन बाय द वन डायरेक्टर, सिर्फ एक डायरेक्टर जो है उसको साइन करेगा, क्योंकि वन पर्सन कंपनी में सिर्फ वन ही मेंबर होता है, तो उसके इसीलिए उसमें सिर्फ ओनली वन डायरेक्टर जो है वो साइन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओपीसी के केस में। आज के वीडियो में बस इतना ही था। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।